हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो आपने एक छोटा सा क्लिप देखा उसमें आपने देखा होगा मैंने और एक साथ के मेरा बैट्समैन जो एकेडमी में प्रैक्टिस करता है हमने सारे शॉट खेले हैं आ, फास्ट बॉलिंग पे बैक फुट ड्राइव फ्रंट फुट ड्राइव फ्रंट फुट डिफेंस बैक फुट डिफेंस कट पुल तो एज अ बैट्समैन आपके पास सारे शॉट होना बहुत जरूरी है तभी आप लंबे टाइम तक बैटिंग कर सकते हो और एक सक्सेसफुल बैट्समैन बन सकते हो और आपके पास सारे शॉट कब होंगे जब आपका जजमेंट थोड़ा शार्प होगा तो अपनी आज की वीडियो में आपको बताऊँगा आप कौन सी बॉल पर कौन सा शॉट खेलने जाओगे मतलब आप वीडियो देख के आप खाली आपको आइडिया हो जाएगा आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगेन एंड अगेन उसके बाद आप थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर सकते हो मतलब तो लेकिन आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है और आपको आइडिया कैसे होगा तो आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा कि आपको कौन सी लेंथ की बॉल पे कौन से लाइन की बॉल पे आपको कौन सा शॉट खेलना है फिर आप जब एक बार थोड़ा सा आपके दिमाग में एक आपको एक आइडिया हो जाएगा उसके बाद आप उसको अपने दिमाग में रखकर प्रैक्टिस में उसको एप्लीकेबल करोगे अप्लाई करोगे उसके बाद आपका इंप्रूवमेंट होना हंड्रेड परसेंट श्योर है तो बी हे एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड ओके तो आपको एक मैच में सबसे ज्यादा जो तो बॉलर फेस करने को मिलेंगे वो मिलेगी आपको गुड लेंथ की बॉल तो आप मैं आपको सबसे पहले वीडियो में बताऊंगा कि आप गुड लेंथ बॉल पर आप कौन सा शॉट खेलोगे और गुड लेंथ बॉल होता कौन सा है तो की okay, आपने भी देखा एक छोटी सी वीडियो क्लिप में मैंने इसको कुछ बॉल गुड लेंथ पे फीड करी गुड लेंथ गुडलैंथ बॉल थ्रो की जिस पर इसने आके बहुत इजी से फ्रंट फुट डिफेंस खेल दिया गुड लेंथ बॉल पे आपको डिफेंस खेलना है फ्रंट फुट और बैक फुट अगर बॉल में ज़्यादा बाउंस हुआ हो लेकिन आप स्टार्टिंग में कहिए करिए आपको इस लेवल पे कोई ज़्यादा फास्ट विकेट नहीं मिलने वाले हैं तो लेंथ का बॉल जो आपको मिल रहा है उस तो पर आप फ्रंट फुट डिफेंस के लिए अब बात यह आती है कि गुड लेंथ का बॉल होता कैसे है मतलब आपको कैसे बॉल को जज करेंगे बॉल गुड लेंथ का है तो मैं आपको इस छोटा सा एक एक टिप देने वाला हूँ उसको आप थोड़ा सा फोकस करें सुनिए जब आप स्टांस ले रहे हो तो जो बॉल आपके फ्रंट फुट पर आपको फ्रंट फुट आने के लिए फोर्स कर रहा है लेकिन आप उस पर ड्राइव नहीं मार सकते हो आपने सामने बॉलर ने बॉल को रिलीज किया बॉल आपको फोर्स कर रहा है फ्रंट फुट पर आगे खेलने के लिए लेकिन लेकिन उसकी बॉल की हाइट पिच होने के बाद आपकी नी के आसपास आ आएगी तो उस पर आप फ्रंट फुट ड्राइव नहीं खेल सकते हो तो वो बॉल आपको सीधे बैट से आके बॉल की लाइन में आकर फ्रंट फुट डिफेंस खेलना ही पड़ेगा <laughs> आपको नहीं पता फ्रंट फुट डिफेंस कैसे करना है मैंने वीडियो बनाया हुआ आप जाके चेक कर सकते हो एक गुड लेंथ बॉल जो बॉलर ने बॉल को छोड़ा हो आपके स्टम्प पर लैंड कर रहा हो स्टम्प पर लैंड कर रहा हो और बॉल इतनी दूर लैंड कर रहा हो आपसे कि आप बॉल के पास पहुंच के ड्राइव ना कर पाए और ना ही इतना पीछे बॉल लैंड कर रहा हो कि आप बॉल पर इजिली बैकफुट चले जाएं तो बॉल वहां लैंड कर रहा है जहां पे आप फ्रंट फुट ड्राइव नहीं खेल पाएंगे लेकिन आपको आना फ्रंट फुट पे पड़ेगा आपको फ्रंट फुट डिफेंस और गुड लेंथ बॉल वो होता है कि आप बॉल आपको फोर्स करे फ्रंट फुट पर आके शॉर्ट खेलने के लिए लेकिन आप उस पर ड्राइव नहीं मार पाओगे अगर आपको बॉल स्टंप पर मिल रहा है आप उस पर जाइए सिंपली इसके अलॉन्ग साइड ऑफ द बॉल प्लास फ्रंट फुट लैंड करिए और उसको डिफेंस खेल दीजिए अगर बॉल ऑफ स्टंप के बाहर है तो वहां पर आपको सजेस्ट करूंगा सही बड़े पर आप खाली बॉल को लीव करिए अपने आप अपने आप पूरे तीनों स्ट कवर करके बॉल को लीव करिए गुड लेंथ वाले बॉल को पीछे कीपर के हाथ में जाने दीजिए अब वो स्टम्प पर गिर रहा है अगर रह लेग स्टम्प पर गिर रहा है तो आपको लेग स्टम्पे डिफेंस करना है मिडिल ऑफ ऑफ स्टम्प पर गिर रहा है बॉल तो आपको सामने डाउन तो द विकेट या फिर थोड़ा सा मिड ऑफ की तरफ बॉल को डिफेंस करना है ऑफ स्टम्प बॉल गिर रहा है तो आपको सामने थोड़ा सा स्क्वायर मिड ऑफ की तरफ बॉल को डिफेंस करना है ध्यान रखिए आपको गुड लेंथ बॉल वही होगा जो आपको फ्रंट फुट पर आने के लिए फोर्स करे लेकिन बॉल आपको ड्राइव मारने का चांस ना दे अब आपको बताऊंगा हाफ वॉली बॉल पर कौन सा शॉट खेलोगे कीप वॉचिंग वीडियो ओके आपने अभी छोटा सा वीडियो क्लिप देखा इसमें बैट्समैन ने सारे फ्रंट फुट ड्राइव्स खेले हैं क्योंकि मैंने उसको सारे बॉल हाफ वॉली फीड किए हैं तो आपको एक अब थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा कि जब भी आपको हाफ वॉली बॉल मिले आपको फ्रंट फुट ड्राइव खेलना है चलिए ये तो एक छोटा सा लैंड में खत्म अब पॉइंट ये है कि हाफ वॉली बॉल एक्चुअली होता कैसा है मतलब कहाँ गिरता है कैसा फैक्ट बॉल आता है कितना रेज करता है तो आपको वो मैं एक छोटे सी टैक लाइन में खत्म करने वाला हूँ आपने स्टांस लिया हो तो बॉल आपके फ्रंट फुट के रीच में लैंड कर रहा हो आप जब फ्रंट फुट को मूव आउट करोगे बॉल की तरफ निकालोगे तो उसका बॉल का जो पिचिंग है वो आपके फ्रंट फुट के रीच में हो और बॉल जो लैंड हो रहा है आपके फ्रंट फुट के रीच में लैंड हो रहा है और बॉल पिच होने के बाद पिच होने के बाद बॉल करीबन इतना बॉल रेज करेगा आपके फ्रंट फुट के इन टो के अंदर और हेड के नीचे इतना बॉल रेज करेगा ग्राउंड से आपके फ्रंट फुट के बीच में बॉल लैंड करे और आपके फ्रंट फुट के जब बॉल अंदर आए तब बॉल ग्राउंड से इतना ऊंचा हो क्योंकि यहाँ पर क्या होता है इस जगह आप जब ड्राइव खेलोगे तो आपके बैट का स्वीट पार्ट पे है बॉल हिट करेगा तो ज़्यादा चांसेस होगा बॉल ज़्यादा स्पीड से जाएगा तो बॉल आपको जब लेग स्टम्प पर मिल रहा है तो आप लेग स्टम्प पर बॉल लैंड कर रहा है हाफ वॉली तो आपको ऑन ड्राइव खेलना है आपको बॉल मिडिल स्टम्प पे या ऑफ स्टम्प के आसपास लैंड करें तो स्ट्रेट ड्राइव खेलना है या बॉल ऑफ स्टम्प पर लैंड कर रहा है तो आपको ड्राइव खेलना है मिड ऑफ की तरफ अगर ऑफ स्टम की बॉल बाहर लैंड कर रहा है हाफ वॉली तो आपको ड्राइव खेलना है और एक्स्ट्रा कवर रीजन पे अगर आपको बॉल ऑप्शन के बाहर मिल रहा है तो आपका जो आ, ड्राइव जाएगा वो पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से जाएगा अब वहां पे आपको आपको पता नहीं है फ्रंट फुट ड्राइव कैसा खेलना है तो मैंने पहले वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ जाके आप चेक कर सकते हैं तो आपको ध्यान रखना है जब आपको हाफ वॉली बॉल मिले आपको खाली फ्रंट फुट ड्राइव खेलना है और फ्रंट हाफ वॉली बॉल होता कौन सा है मैं आपको वीडियो में बता दिया है जो बॉल आपके रीच में लैंड कर रहा हो आप बॉलर के रिलीज करने के बाद और उसका बाउंस हो आपके इस लेवल पर अब देखिए यहां पे क्या होता है आप स्टीडर पर जब बैटिंग करोगे तो आपको ज्यादातर पाटा विकेट मिलेंगे लेकिन जब क्या होता है जब बुरे से विकेट बाउंसी होते हैं तो वहां पर क्या होता है हाफ वॉली और गुड लेंथ में थोड़ा सा पिक करने दिक्कत होती है क्योंकि वहां पर होता है बॉल हाफ वॉली से अच्छा बाउंस करता है तो आपको देखना अगर हाफ वॉली बॉल आपके बाउंस हो गए नी के आसपास जा रहा तो आपको ड्राइव नहीं खेलना है आपको डिफेंस करना है यहां पर बाउंस भी मैटर करता है लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बॉल का बाउंस भी कितना है बॉल कहां पर चोरा है यह सारे बातें आप दिमाग में रख बैटिंग कर सकते हो आपको याद रखना है गुड लेंथ बॉल पर मैं क्या खेलना है हाफ वॉल भी क्या खेलना है आपको भी गुड लेंथ का आइडिया हो गया हाफ वर्ल्ड का आइडिया होगा आपको बताने वाला शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ पर आप क्या शॉर्ट खेलोगे शॉर्ट ऑफ लेंथ पर होता कौन सा है और शॉट ऑफ लेंथ पर बॉल गिरेगा उस पर आप कौन सा शॉर्ट खेलोगे कीप वॉचिंग वीडियो आपने छोटा सा वीडियो क्लिप दिखा इसमें बैट्समैन ने बैकफुट डिफेंस और बैकफुट ड्राइव खेले आपको गुड लेंथ पर पता लग गया आप कौन सा शॉट खेलना है आपको हाफ वॉली पता चल गया कौन सा शॉट खेलना है अब आप, आप बैकफुट पर कौन सा बॉल होगा तो उस पर आप बैकफुट खेलेंगे आपने स्टांस लिया हुआ है पहले समझ लिया बैकफुट फुट पर क्या होता है आपको बैकफुट फुट पर आपको पीछे मूव करना होता है इसका मतलब आपके पास थोड़ा टाइम होना चाहिए एक्स्ट्रा अब आप, आपको हाफ वॉली बॉल वौल पर पीछे रहने टाइम मिलेगा नहीं ना गुड लेंथ पर मिलेगा बॉल जब गुड लेंथ से थोड़ा पीछे लैंड कर रहे हैं और उसका बाउंस जो हो रहा है आपके वेस्ट साइड के आसपास आएगा आपकी नी और वेस्ट साइड के आसपास अब जो बॉल आपको बाउंस मिलेगा नी और वेस्ट हाइट के आसपास आपको फ्रंट फुट पैक बिल्कुल भी नहीं खेल सकते हो फ्रंट फुट पैक की बॉल को यहाँ तो डिफेंस करोगे नहीं इसलिए आपको वो बॉल जिसकी जिसकी हाइट है बॉल पिच होने के बाद नी और वेस्ट हाइट के आसपास तो वो बॉ आपको गुड लैंड से पीछे लैंड होगा और उसकी हाइट नी और वेस्ट के आसपास आएगी उस पर क्या करना है आपको सिंपली आपको बैकवुड मूव करना है अपना बैक बैकिंग क्रॉस ऑफ ऑप्सटम की तरफ और बॉल की लाइन में आके ड्राइव अगर बॉल की हाइट ज़्यादा है बॉल की हाइट अगर वेस्ट लेवल पर है आप पीछे जाके सीधे बैठ से डिफेंस कर देंगे अगर बॉल की हाइट थोड़ी सी कम है घुटने लेवल पर तो आप पीछे जाकर सिंपली बैकवुड ड्राइव खेल देंगे तो बैकफुट ड्राइव और डिफेंस में खाली बस थोड़ा सा बाउंस का डिफेंस होता है अगर आप बॉल आपको थोड़ा सा नीचे मिला लो लो हाइट में मिला तो बैकफुट ड्राइव मार सकते हो और थोड़ा सा हाइट थोड़ा हाई हाइट मिला तो वहाँ पर आपको बैकफुट डिफेंस करना पड़ेगा और यहाँ पर आप थोड़ा सा थोड़ा सा एडजस्ट करके बाउंस को भी खत्म कर सकते हो देखा होगा अपने बहुत से बैट्समैन बैकफुट फुट बैकफुट टो को रेज़ करके हिल को रेज करके बैकफुट को जंप करके बैकफुट ड्राइव मार देते हैं क्योंकि वो यहाँ पर वो बाउंस को कवर करने के लिए जंप करके ड्राइव मारते हैं तो तब क्या देखना आपको जब भी शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ बॉल मिले या फिर उससे थोड़ा सा और शॉर्ट बॉल मिले उसका हाइट आपके वेस्ट और नी लेवल पर मिलेगा तो आपको बैक एंड ट्रॉस मूव करना है और बैकफुट जाकर शॉट खेल देना है आपको पता नहीं है बैकफुट शॉट कैसे खेलना है तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ ऑलरेडी बैकफुट ड्रिल के नाम से आप जाकर चेक कर सकते हो ओके okay, हम बैकफुट में एक लाइन और एड कर देते हैं आपको जब बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ मिले तो आप आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिलेगा क्योंकि आपने देखा होगा आजकल आजकल जितने मैचेस आ रहे हैं उसमें स्पीड दिखाते हैं कि बॉल हाथ से छूटा कितनी स्पीड से आया पिच होने के बाद कितने स्पीड से गया तो बॉल जब आपकी बॉडी से दूर पिच हो रहा है मैं शॉर्ट ऑफ लेंथ पिच हो रहा है तो आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा बैक एंड क्रॉस मूव करने के लिए तो आपको जब बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ का मिल रहा है तो वहाँ से जाकर आप सिम्पली बैकफुट ड्राइव खेल सकते हैं लेकिन ध्यान रहे आपको ये सारे बॉल आपके स्टंप पर लैंड होना जरूरी है आपके अगर बॉल लेग स्टंप पर लैंड हुआ तो आप सिंपली बैक एंड क्रॉस मूव करेंगे और बॉल को मिड मिडाउन की तरफ मार देंगे बॉल आपके मिडिल स्टम पर ऑफ्टन के आसपास लैंड हुआ तो आपको बैक फुट जाके आपका स्ट्रेट ड्राइव बैकफुट स्ट्रेट ड्राइव या बैक फुट मिड ऑफ की तरफ मार देना है ऑफ स्टंप पर लैंड हुआ तो आपको वहाँ से बैक फुट कवर ड्राइव या बैक फुट एक्स्ट्रा कवर की तरफ मार देना है तो आपको बहुत सा के मिला, तो आप थोड़ा आप सा ऑप्शन हो गया छोटा सा वीडियो क्लिप देखा होगा इसमें क्या बैट्समैन ने सारे शॉर्ट ऑप्शन में जाके स्क्वायर कट खेले हैं मैंने उसको बॉल फीड किया था एक शॉर्ट पिच बॉल जो ऑप्शन की काफी बाहर है मतलब वाइड नहीं है लेकिन ऑप्शन के बाहर है अभी यहाँ पे आपको क्या करना है स्क्वायर कर कट उस बॉल पे खेलना है लेकिन आप कैसे डिफाइन करोगे कि वो बॉ ऑप्शन शॉर्ट पिच बॉल है और स्क्वायर कट का बॉल है देखिए अब जब स्टांस ले रहे हो बॉल शॉर्ट पिच है और आपको टाइम मिल रहा है आप बैक एंड क्रॉस मूव करके ऑप्शन पर आ रहे हो लेकिन बॉल आपकी बॉडी से काफी दूर है यहाँ आए तो यहाँ पर आप बैकफुड ड्राइव खेलने जाओगे नहीं तो जाहिर है अब यहाँ पर आपको बॉल को पिक करके स्क्वायर कट ही खेलना पड़ेगा तो स्क्वायर कट में इतना कुछ ज़्यादा ज़्यादा कुछ वो नहीं जजमेंट हो जाता है क्योंकि बॉल शॉर्ट पिच होता है तो आपको जब ज़्यादा टाइम मिलेगा तो आप बैक एंड क्रॉस जाके आराम से स्क्वायर कट खेल सकते हो जहाँ जो दिक्कत आती है वो ज़्यादातर बैकफुट ड्राइव और स्ट्रेट फ्रंट फुट ड्राइव फ्रंट फुट डिफेंस बैकफुट डिफेंस में ज्यादा दिक्कत आती है जजमेंट में कट पुल वाली बॉलों में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती क्योंकि हमें दिख जाता है जब बॉलर ने बॉल ज़्यादा शॉर्ट पिच बॉल रिलीज किया हो बॉल जब आधी पिच पे वहाँ लैंड कर रहा हो तो वहाँ पे हम अपनी पोजीशन को दे देते दे हैं अगर हमें शॉर्ट पिच बॉल बॉडी भी आता है तो यहाँ कोई भी बैट्समैन होगा तो पुल के लिए जाएगा अगर शॉर्ट पिच बॉल ऑप्शन के बाहर आता है तो वहाँ से कोई भी बैट्समैन होगा आपको स्क्वायर कट के लिए जाएगा आपको स्क्वायर कट पता नहीं कैसे खेलना है तो मैं इस पर वीडियो जल्दी बनाने वाला हूँ आप वीडियो का वेट करिए और आप स्क्वायरकार सीख जाएंगे मैं साथ साथ में एक पुल भी ऐड कर देता हूँ ओके okay. आपने एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखा इसमें बैट्समैन ने सारे पुल शॉट खेले हैं मतलब उसके बॉल जो हाइट आया उसके वेस्ट हाइट और चेस्ट हाइट के बीच में सारे बॉल का हाइट है आपको क्या करना है शॉर्ट पिच बॉल के जजमेंट में ज़्यादा दिक्कत नहीं है आप जज तो कर लोगे लेकिन आपको जज के साथ में रिएक्ट करना आना चाहिए मतलब आपका पुल शॉट स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है शॉर्ट पिच बॉल के लिए तो मैंने पुल शॉट पर वीडियो बनाया हुआ आप जाकर चेक कर सकते हैं उस पर सीख सकते हैं आपकी बॉडी मूवमेंट कैसे करेगा आप पुल शॉट कैसे खेलोगे आपको शॉर्ट पिच बॉल मिले आपकी बॉडी पे या फिर आपको जो बॉल लेग स्टंप और मिड स्टंप के आसपास लैंड कर रहा हो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल हो शॉर्ट ऑफ शॉर्ट पिच बॉल बोलो कुछ करना है आपको बैक फुट मूव करना है अपना बैकेंड क्रॉस और अपने हाई लिफ्ट के साथ में बैट को जाके फुल शॉट मार देना है तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि हमें कौन सी कौन सी बॉल पर कौन सी कौन शॉट खेलने हैं ये तो एक 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 सिंपल वो हो गया मतलब एक बेसिक हो गया अब इसमें बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है पिच का नेचर कैसा है अब बहुत से ग्रासी विकेट होते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा लाइन लेंथ थोड़ा सा चेंज हो जाता है आपको ध्यान रखना ये सब कुछ जो ग्रासी विकेट होते हैं वहाँ बाउंस अच्छा होता है तो इसलिए आप आपको जो हाफ वॉली बॉल थोड़ा खिंचा हुआ होगा उस पर डिफेंस ही करना पड़ेगा लेकिन जो पाटा विकेट होते हैं उन पर आपको ड्राइव खेल सकते हो और मान लीजिए कोई दस विकेट ज्यादा अच्छे होते हैं बाउंस विकेट तो वहाँ पर आपको शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल जिस पर बैकफ डिफेंस करते हो वो बॉल आपके बाउंसर आ सकता है वो पिच के नीचे पर भी डिपेंड करता है लेकिन आपको अभी स्टार्टिंग में एज ए बिगिनर आपको इन सारे बातों पर ध्यान रखते हुए सारे शॉट की प्रैक्टिस करनी है आपको हाफ वाली स्टार्ट से आपको बता दूँ फिर से फटाफट गेंट में आपको गुड लेंथ के बॉल पर फ्रंट फुट डिफेंस खेलना है हाफ वाली पर फ्रंट फुट ड्राइव खेलनी है शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ पर बैक फुट डिफेंस शॉर्ट ऑफ लेंथ पर आपको बैक फुट ड्राइव शॉर्ट पेज बॉल ऑफ स्ट्रम के बाहर स्क्वायरकट मारना है शॉर्ट पेज बॉल आपके बॉडी पे जो लेग और मिड स्टम पर लैंड कर रहा है उस पर आपको आपको पुल खेलना है चलो इसमें थोड़ा सा मैं फ्लिक भी इसमें जॉइंट कर देता हूँ आपको अगर शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल आपके आपके लेग स्टम्प के बाहर हो तो आप, आप बैकफुट ग्लांस खेल सकते हो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल अगर मान लीजिए आपकी बॉडी पे है तो आपको यहाँ से बैकफुट ड्राइव मारना पड़ेगा अगर बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल आपके लेग स्ट्रम के बाहर है यहाँ पर बैक फुट जाके इसको बैकफुट फ्लिक मार सकते हो या बैकफुट ग्लांस मार सकते हो ऐसे ही फ्रंट फुट में आपको अगर हाफ वॉली बॉल आपके लेग लेग स्टम के बाहर पिच हो रहा है वहाँ तो पे आप अपने लेक्स टम्प को कवर कर, सामने से कवर करेंगे और यहाँ से पैर निकाल के सीधे बाइक का फेस करके बंद करके उसके बाद फ्लिक या फिर फ्रंट फुट ग्लास खेल सकते हो आपको सारा आइडिया हो गया होगा अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हो आपको आज का वी टॉपिक कितना पसंद आया वीडियो को लाइक करके मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइए कीप सपोर्टिंग मी थैंक यू